हमारे यहाँ बहुत हुआ है, रोड सब खुड़ा ही पड़ी है। आप ये जो अभी रोड हम आए हैं, बाजार तक चले जाइए, इतना इतना गड्ढा है कि अगर कोई गिर जाए तो मुंह हाथ सब टूट जाए, सब गड्ढा है। साइकिल चलाते हुए बच्चे गिर जाते हैं, और जल भराव का इतना यहाँ प्रभाव रहा कि लोगों के दुकानों के अंदर का सामान सड़ गया। सिद्दीकी साहब की, वो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, लेकिन उनको कुछ लोग बहकाए हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, जनता में वो खाली है, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं विधायक जी से भूल हो गई तो बहुत बुरी हार हारेंगे, बहुत बुरी हार हारेंगे कि बताते नहीं बनेगा। हारा ही ऑटो से हार हमारी कराई गई, मैं हारा नहीं था, जनता ने मुझे जिताया था, लेकिन अब क्या करें, शासन सत्ता जो चाहे वो कर ले। साल था 2017, नगर निकाय का चुनाव था। एक प्रत्याशी ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी से टिकट तो मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। फिर उन्होंने किया क्या कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। जब चुनाव निर्दलीय लड़े तो उस समय बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनी थी। जब निर्दलीय चुनाव लड़े, जिस प्रत्याशी के मैं नाम ले रहा हूँ, बीजेपी के सामने, बीजेपी से यहाँ पर चेयरमैन बन गई पूंजा दीक्षित। पूंजा दीक्षित का चेयरमैन बनने के बाद फिर से आज 2022 है, और फिर से इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इनका नाम है अय्यूब कुरैशी। अय्यूब जी हमारे साथ है, अय्यूब जी आपका यूपीटी में स्वागत है। पहले तो मैं यूपी जी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और जो 2017 की बात आपने जो कही कि हार कितनी चुभी जी, अरे अब आप जानिए कि जनता ने जिसको जिता दिया हो वो किसी कारण हरा दिया जाए तो कितनी चुभेगी। 18 ऑटो से ही हार थी या फिर 18 ही ऑटो से हार हमारी कराई गई। मैं हारा नहीं था, जनता ने मुझे जिताया था, लेकिन अब क्या करें, शासन सत्ता जो चाहे वो कर ले। मतलब आपको, आपके हिसाब से दबाव में चुनाव जिताया गया? जी 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 जी, बिल्कुल दबाव में जिताया गया। हमारे डीएम साहब आके पूरा दबाव बनाए, उसके बाद चुनाव जिताया गया। जी जी, आप जीते थे चुनाव? मैं बिल्कुल जीता है, पूरा कस्बा, पूरा टाउन क्षेत्र जानता है। आपने चैलेंज नहीं किया उस समय? अरे बोल, मैं बोल रहा था, चैलेंज भी कर रहा, सब कुछ कर रहा था वहाँ। किसी ने कहा कि यहाँ जाइए, सारे लोग कहने लगे कि ना मतगणना दोबारा होगी, ना कुछ होगा, क्या चाहते हैं आप। बिल्कुल वो सब दंगा झगड़ा करने पर उतारू थे, तो हम लोग चुपचाप चले आए, क्या करें। समाजवादी पार्टी में आप 20 वर्ष सेवाएं दी आपने जी, टिकट भी नहीं मिला जी, उसके बावजूद आप 18 ऑटो चुनाव हारे, तो क्या लगता था अगर समाजवादी पार्टी से टिकट मिले तो आप शायद बहुत ऑटो के अंतर जीत सकते थे चुनाव? समाजवादी अगर मुझे टिकट देती तो मैं हजारों ओट से चुनाव जीतता, हजारों ओट से चुनाव जीतता, लेकिन अब हमको नहीं दिया गया, और हम लड़े, हम कोई पार्टी से बगावत करके नहीं लड़े। अगर मैं लड़ता ना तो ये जिले के नेता और हमारे जो नेता है वो हमारा वर्चस्व ना जान पाते। हमको दिखाना था कि हमारे साथ जनता है, इसलिए हमको लड़ना पड़ा। चुनाव हारने के बाद फिर आपने इन 5 सालों में क्या क्या किया हैदरगढ़ की जनता के? इन 5 सालों में मैं रात दिन जनता के सेवा में लगा हुआ था, और लगा हूँ, लगा रहूंगा, ये जनता से आप जानकारी कर लीजिए। इस बार भी 2 लोग हैं जी टिकट मांग रहे हैं जी। पिछली बार लक्ष्मी नारायण साहू और आप थे जी, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे जी, राइट, लक्ष्मी नारायण साहू को टिकट मिल गया था जी। इस बार पप्पू सिद्दीकी जी और अय्यूब कुरैशी टिकट मांग रहे हैं। दोनों लोग बढ़ चढ़कर अपना जो है जनता के बीच में अपना दबदबा दिखा रहे हैं, अब काफिले के साथ निकल रहे हैं, अपना वर्चस्व दिखाने में जुटे हुए हैं, क्या लगता है इस बार? हम पार्टी से, अपने पार्टी पर, अपने नेताओं पर हमको भरोसा है, हमारे पूर्व विधायक राम मगन जी पर भरोसा है, वो सही फैसला लेंगे, क्योंकि जब चेयरमैन नगर का समाजवादी का होगा तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। तो हमको बहुत भरोसा है कि विधायक जी बहुत सूझबूझ कर फैसला लेंगे, और टिकट उसी प्रत्याशी को दे जो जीतने वाला हो। रही बात सिद्दीकी साहब की, वो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, लेकिन उनको कुछ लोग बहकाए हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, जनता में वो खाली है, कुछ भी नहीं है। अगर कहीं विधायक जी से भूल हो गई तो बहुत बुरी हार हारेंगे, बहुत बुरी हार हारेंगे कि बताते नहीं बनेगा। सिद्दीकी जी का समाजवादी पार्टी में कितने वर्ष उन्होंने सेवाएं दी अभी तक? कभी नहीं, कभी नहीं। नए नए बने हैं? नए नए बने हैं, नए नए टिकट मांग रहे हैं, जैसे ही आए बस वैसे ही। कोई और चुनाव नहीं लड़ा अभी तक? हमको तो नहीं लगता ये कभी चुनाव उनाव लड़े हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अगर वो चुनाव को समाजवादी पार्टी चुनाव टिकट दे देती है तो क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर फिर? तो हम सबकी बहुत बुरी हार होगी, हम सबकी बहुत बुरी हार होगी, जनता उनके साथ नहीं है। आप अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं होते क्या चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, ये तो फिर नेताओं का मामला है, जो नेता जी लोग कहेंगे वही करेंगे। पार्टी से बगावत करना अच्छी बात नहीं है। अगली बार हमको अपना वर्चस्व दिखाना था, तब हम निर्दलीय लड़ गए हैं। सवाल हमारा ये है, पप्पू सिद्दीकी का आपकी आपने बात कही जी, आपका कहना कि अगर आपको टिकट नहीं मिला जी, तो आप पप्पू सिद्दीकी के सपोर्ट में फिर रहेंगे, मतलब अगर पार्टी कहेगी तो ये, हाँ ये नेताओं का फैसला है, नेता क्या कहते हैं उसके बावजूद ही सपा हार जाएगी। यहाँ देखिए, वोट देना लेना और दिलवाना दोनों अलग अलग बात है, मतलब खुद खड़े हो उसके लिए अलग बात है, दिलवाना अलग बात। मैं पाऊं 10 तो दूसरे को दिला सकता हूँ 3। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा होता है? जब जनता हमको चाहती है, हमको मानती है, वो हमको दे रही है, मैं कहूँ भैया फलाने को दे दो, तो वो सोचती है कि हम फलाने को देने से अच्छा फिर जहाँ हमारा मन है वहाँ दे। मैं कोशिश भरपूर करूँगा, लेकिन ये आपको भी पता है, पा जाना और दिलवाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने पप्पू सिद्दीकी जी से बात नहीं की इस मामले में? आपके बड़े भाई, आपके बड़े अच्छे संबंध है, कि इस बार हमको एक बार और मौका दिया ना चाहिए? बात की थी, शुरू में ही बात की थी, लेकिन उन्होंने हमसे बोलना चालना सब बंद कर दिया। वो अपनी उनकी सोच है, अब वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लोग उनको भड़काए हुए हैं, अब वो अपना जैसा समझे वैसा करें, हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं होती। अगर उनको टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत सकते हैं वो सपा से? कभी नहीं, कभी नहीं। गारंटी है? गारंटी 100% गारंटी है। कोई वर्चस्व होना चाहिए, जनता अब ये थोड़े नहीं कि एक महीना पहले से दो महीने चुनाव लड़ने लगे तो जनता के भी। वो तो वर्चस्व बता रहे हैं, समाज में जाते हैं, निकलते हैं उनके साथ, लोग निकलते हैं साथ में। अरे भाई आप ये समाज वालों से पूछिए, मैं क्या बताऊं। मैं कहूंगा तो यही है कि इनके सामने टिकट मांग रहे हैं तो बुराई करेंगे, और मेरा दोस्त है, मैं उसकी बुराई कर भी नहीं सकता। भटके हुए हैं, ऊपर वाला उनको सही रास्ता दिखाए, और उनको हम क्या कहें। सवाल हमारा विकास पर आ जाता है, हैदराबाद में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ भाई? आप गली मोहल्ला घूम के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। हमारे जन बहुत हुआ है, रोडें सब खुड़ाही पड़ी हैं। आप ये जो अभी रोड हम आए हैं, बाजार तक चले जाइए, इतना इतना गड्ढा है कि अगर कोई गिर जाए तो मुहार सब टूट जाए, सब गड्ढा है। साइकिल चलाते हुए बच्चे गिर जाते हैं, और जल भराव का इतना यहाँ प्रभाव रहा कि लोगों के दुकानों के अंदर का सामान सड़ गया, खराब हो गया, बहुत दिक्कतें हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, विकास तो कोई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की अगर बात करी जाए तो जो अध्यक्ष है वो तो हमेशा कहते हैं, अभी उन्होंने काम भी गिनाए, हम नाम नहीं लेंगे, आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो काम तो उन्होंने गिनाए, कितने काम हमने किए हैं। अरे काम गिनाने वाले तो हाई हैं, काम तो गिनाने वाले हाई हैं, लेकिन नगर में आप खुद घूम कर देखिए कि कितना विकास है, आप खुद देख लीजिए। अच्छा मेन समस्या क्या है नगर की? मेन समस्या, सबसे ज्यादा समस्या तो जल भराव का है। नाला तो बनवा दिए हैं, नाला बनवा दिए, इसीलिए आप बाजार जाइए, पूछिए लोगों से, उनके सामान की दुकान का सामान खराब हो गया। हाँ। बेचारे इतना इतना पानी में भर भर के, बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी। एक दर्जन नाला बनवाया उन्होंने, पता नहीं कहाँ बनवाया एक दर्जन नाला, हमको तो नहीं दिखा एक दर्जन नाला कहाँ बनवाया। अरे भैया बाजार में बन रहा है, हम खुद आंखें सामने देखा। अरे वो अब बन रहा है, चुनाव सर पे आ गया है तो लॉलीपॉप है वो, 5 साल में नहीं बना, अब बन रहा है वो। और फिर जो नाला बना या कोई रोड बनाएगा तो कोई अपने घर से तो बनवाता नहीं है, ये जनता का पैसा है, जनता के हित के लिए लगे, लेकिन तब भी कोई विकास भाई साहब नहीं हुआ। टिकट नहीं मिला आपको जी, पार्टी का कहना है जी आपको सपोर्ट करना है जी, आपकी जनता करेगी आपको चुनाव लड़ना नहीं दे, क्या करेंगे आप? जनता के साथ जाएंगे या फिर पार्टी के साथ आप जाएंगे? देखिए वहां पर हम अपनी जनता से बात करेंगे, जनता से बात करके उनको भी संतुष्ट करेंगे, और पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे, उनको भी संतुष्ट करना है, फिर देखा जाएगा क्या होता है। मतदाताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय वो जनता, जिस तरह आप लोगों ने 2017 में हमको जिताया था, लेकिन किसी कारण हम हरा दिए गए, और जो बैठे हुए चेयरमैन हैं उनका विकास देख लिया, उनका कार्य देख लिया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग 2022 के चुनाव में मुझे वही प्यार दुलार दीजिए, जिटवाइए, विकास होगा, नाम का नहीं काम का विकास होगा, और हर वक्त मैं आपके सेवा में हाजिर रहूंगा, हर वक्त सेवा में हाजिर रहूंगा। दोनों धर्म के लोगों की एक कमेटी बनाएंगे, उसमें हिंदू भाई भी होंगे, हमारे मुसलमान भाई होंगे, जब 10-20-25 लोगों की कमेटी होगी तो वो जैसा कार्य करेंगे जिससे जनता का हित हो। अच्छा। जनता का भला हो, कमेटी के तहत उसी हिसाब से सब लोग मिलकर काम करेंगे। मैं अकेला खुद फैसला नहीं लूंगा कि ये करे वो करे या ना करे, मैं एक कमेटी बनाऊंगा हिंदू मुसलमान मिलकर। चलिए बाबा धन्यवाद आपका। इनके लिए चुनौती ये बड़ी है क्योंकि दोनों मित्र आपस में लड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, दोनों खास मित्र हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इन दोनों मित्र में से किस मित्र पर अपना भरोसा जताती है, इस बार चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित करती है हैदरगढ़ से। यूपी टीवी के लिए सीमा उस्ती की रिपोर्ट।
साइफो लाइए स्वच्छता अपनाइए। साइफो सफाई में नंबर वन ब्रांड। देश में पहली बार खुशबूदार टॉयलेट क्लीनर मात्र 5 रुपए में।